तो तकरीबन 2000 भैया बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बीजेपी के समय छत्तीसगढ़ में किसानों को तकरीबन, और अब मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां लगा दी है। किसी को दिखी है फैक्ट्रियां? लगी गई फैक्ट्री। तो यहां पास में मध्य प्रदेश के पास में छत्तीसगढ़ है। हमने छत्तीसगढ़ में क्या किया और क्या सोच रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जो हमने छत्तीसगढ़ के लिए किया है वही हम मध्य प्रदेश के लिए करना चाहते हैं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है। मतलब एक ही ओबीसी बचा हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि मैंने जाति जनगणना का सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब देखिए भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। गलतफहमी में मत रहिए, सरकार को एमएलए नहीं चलाता, सरकार को अफसर लोग, आईएएस के लोग, सरकारी ऑफिसर चलाते हैं। उनका जो पैसा है गवा कर चोरी कर रहे हैं। अच्छा, यहां के जो आपके बीजेपी के एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो कोई कम नहीं है। तोमर जी की और उनकी रेप चल रही है। कौन मध्य प्रदेश से के जनता से, किसानों से, मजदूरों से ज्यादा पैसा चोरी करेगा?